ओम वंदे गौ मात्र। मित्रों, एक परिवार में पति पत्नी के बीच में सामंजस्य अच्छा हो तो परिवार का जीवन यानी कि जो पारिवारिक वातावरण है वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक खुशनुमा रहता है, जिससे एक अच्छा दाम्पत्य, एक अच्छा परिवार आगे बढ़ता है और यही अच्छे परिवार अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। किंतु आज हम देखते हैं पति पत्नी में बहुत ज़्यादा विघटन, बहुत ज़्यादा सामंजस्य की कमी बैठ रही है, जिसके कारण से झगड़े, कलह और साथ में कहूँ तो डिवोर्स की स्थिति भी बन जाती है और हम जैसे डिवोर्स लेना भी पड़ जाता है। तो मित्रों, ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न आया कि दो विपरीत स्वभाव वाले लोग साथ में रह सकते हैं, और इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आज हम आपको वीडियो देने जा रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर मात्र हाँ या ना में नहीं होता, इसलिए हम आपको कुछ माध्यमों के द्वारा बताएंगे, हम प्रकृति के द्वारा भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दो विपरीत स्वभाव वाले कब साथ में रह सकते हैं और कब नहीं रह सकते, और गणित के सूत्रों के माध्यम से बताएंगे कि कैसे साथ में रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जो गणित जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, शुरुआती गणित पढ़ा है, उनको पता होगा गणित के सूत्रों के अनुसार प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है और माइनस माइनस इक्वल प्लस होता है। लेकिन रियल लाइफ के सूत्रों में कितना लागू कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और प्रकृति हमें कैसे बताती कि दो विपरीत स्वभाव वाले साथ में रह सकते हैं, और यदि उनमें विकृतियां आ जाए तो क्या समस्याएं भी हो जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप इस विषय को अच्छे से समझ सके। मित्रों, पहले इस वीडियो के निर्देशों को सुनिएगा, उसके बाद आपके पास जो उदाहरण और मिले वो भी कमेंट करके बताइएगा, प्लस आपकी सोच क्या बन रही है, आप क्या समझ पा रहे हैं, तो अपने विचार अवश्य रखिएगा ताकि हमें भी मार्गदर्शन मिले। क्योंकि हम यहाँ चर्चा करते हैं, हम कोई आपसे वाद विवाद नहीं करते हैं, हम बस अपने विचार रखते हैं, उससे आप सहमत असहमत की भी बात है, क्योंकि सबके अपने अपने विचार है, अपनी अपनी थिंकिंग है, तो उस अनुसार हर कोई काम करता है। तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं विपरीत स्वभाव वाले कैसे साथ में रह सकते हैं और उसमें कहां कभी कभी गड़बड़ होती है। तो आपको बता दूं, दिन और रात, आपने कभी भी सुना होगा, आप कहेंगे एक दिन और चला गया, तो क्या मात्र 12 घंटे जो दिन के उजाले के समय को कहा जाता है वो दिन का उजाला है? कई समय आप जिसे दिन मानते हो ऐसा नहीं है, उसके साथ एक रात भी जुड़ी हुई है। लेकिन हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान है, इसलिए पुरुष के नाम से वो चीज जानी जाती है, इसलिए दिन रात जो हम कहते हैं तो हम दिन कहते हैं, रात का नाम नहीं लेते, पर रात उसमें साथ में गिनी जाती है। तो दिन और रात साथ में मिलके एक दिन बनता है। अब मित्रों, दिन और रात का स्वभाव आप देखिए एकदम विपरीत है, दिन पुरुष है, रात स्त्री है। अब दोनों का स्वभाव विपरीत कैसे है? आप देखिए, दिन में जितना उजाला होता है रात में उतना अंधेरा होता है। दिन में आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, यदि आप जरा सा छेद कहीं रह गया तो वो उजाला झांक जाएगा और आपका जो सारा प्रयास विफल हो जाएगा। यानी कि दिन में आप कितना भी प्रयास करें, आप रात जैसा अंधेरा नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी बदली छा जाती है तो गर्मी कितनी बढ़ जाती है आप वो समझ लीजिए, क्योंकि जब विकृति आती है, वो बदली के रूप में हम विकृति देख सकते हैं, तो कितनी गर्मी बढ़ जाती है आप समझ सकते हैं। वही मित्रों, रात के समय आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो दिन के तरह उजाला आप नहीं कर सकते। कितनी भी बड़ी लाइट लगा लीजिए, लेकिन जब आप पूरा आसपास देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अंधेरा दिखेगा। हाँ, जहां आप हैं आपने व्यवस्था कर ली, अरे वाह दिन जैसा उजाला कर लिया सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको रात का आभास होगा। वहीं दिन में आप यदि अंधेरा करें तो भी आपको दिन का आभास होगा। ये एक सामान्य चीज है मित्रों। वहीं और स्वभाव बता दूं, दिन का स्वभाव क्या, दिन में सब लोग काम करते हैं, अपनी अपनी चीजें एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन रात में सब विश्राम करते हैं। हाँ, चमगादड़ और उल्लुओं के संतानों की बात अलग है, हम उनकी बात नहीं करें जो निशाचर बन गए हैं, क्योंकि निशाचरों का काम है रात को जागना, दिन में सोना, वो उल्टी बात है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम उनकी बात करें जो सामान्य लोग हैं, जो सही में आगे बढ़ते हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि दिन और रात की प्रकृति एकदम विपरीत है, इसमें कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बिना दिन पूरा नहीं होता। इसका मतलब है कि दोनों परस्पर विपरीत स्वभाव होने के बाद भी साथ में रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, और उसके एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। पर हाँ, विपरीत स्वभाव यह सहयोगी है, विरोधी नहीं है। आपको यहां ये बात समझ लीजिए कि सहयोगी विरोधी नहीं है। यदि दिन है और रात ना हो तो आप सोचिए हमारी स्थिति क्या बनेगी, हम थक जाएंगे, काम करते करते हम बहुत परेशान हो जाएंगे, और रात ही रात चले दिन ना हो तो क्या स्थिति बनेगी कि हम सोते सोते पड़े पड़े क्या करें, खाने पीने सब चीजों के वांदे आ जाएंगे और हम कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों की आवश्यकता है और दोनों पूरक के रूप में साथ में काम करते हैं। वही मित्रों, पृथ्वी और आसमान को देखा जाए, पृथ्वी और आकाश को देखा जाए तो दोनों का स्वभाव विपरीत है, दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। अब आप देखिए,
जमीन का भूमि का स्वभाव क्या, कि आप कुछ भी डालो वो आपको कई गुना बढ़ा के देती है। और आसमान का स्वभाव क्या, आसमान अपने स्वभाव से चलता है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, कभी सूखा है, कभी बाढ़ है, लेकिन पृथ्वी सब कुछ सहन करती है। हाँ, जब पृथ्वी को गुस्सा आता है तो थोड़ा उत्पात मच जाता है, जैसे भूकंप आदि आना, ये अलग बात है, पर हाँ दोनों मिलकर इस संसार को चला रहे हैं। और हम पृथ्वी आकाश के बीच की दुनिया में ही हम रहते हैं, और हमारे लिए इतने ही हमारे माता पिता के रूप में, पिता धरती आकाश को कहा जाता है, माता धरती को कहा जाता है। तो आप इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कितने एक दूसरे के पूरक बन के रहते हैं, क्योंकि प्रकृति में हर चीज ईश्वर ने पूरक बनाई है। यदि पतझड़ है तभी तो बसंत और सावन का भी महत्व है मित्रों। पतझड़ ना हो, पत्ते ना झड़े, पुराने पत्ते ना झड़े, तो नए आएंगे कहां से। तो ये सारे के सारी प्रकृति जो ईश्वर ने बनाई है, वो सारी एक दूसरे के पूरक के रूप में बनाई है। हमें विरोधी दिखती है पर वो वाकई विरोधी नहीं है, वो एक दूसरे की पूरक बनती थी। सर्दी ना हो तो गर्मी भी नहीं होगी, वो गर्मी है तो सर्दी भी है, दोनों चीजें, पर दोनों का स्वभाव विपरीत होने के बाद भी साल का समय पूरा करते हैं। एक साल में तीन ऋतुएं होती हैं, हम मानते हैं ऐसा, पर मूल तो दो ही ऋतुएं होती है, बारिश तो उसमें दोनों तरफ होती है, बारिश सर्दियों में भी हो जाती है, गर्मी में भी हो जाती है, और चलता रहता है। तो ये हमने आशा है आपको प्रकृति के रूप में समझाया। यदि आपके पास और भी उदाहरण हैं, क्योंकि मैंने अभी छोटे थोड़े उदाहरण दिए ताकि आप वीडियो लंबा ना हो, तो आपके पास उदाहरण तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ और कौन कौन से उदाहरण आपके दिमाग में आए। अब हम इसको गणित के सूत्रों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं मित्रों। जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में कहा था थोड़ी देर पहले कि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 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 प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस प्लस होता है नॉर्मली सूत्रों में, लेकिन जीवन के सूत्रों में ऐसा नहीं होता है। जीवन के सूत्रों में इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हम प्लस माइनस का भेद समझ लें मित्रों। प्लस का मतलब होता है पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता, और माइनस का मतलब होता है नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता। यदि आप सकारात्मक नकारात्मक कैसे विचारों के साथ अपना जीवन जीते, उस पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ कितना कैसे निभा पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, यहां यदि आप दोनों पॉजिटिव हैं, ध्यान से समझिएगा, आप दोनों प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो मित्रों आपके स्वभाव कितने भी विपरीत होने दो, दिन रात जैसे होने दो, जमीन आसमान जैसे होने दो, आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के पूरक बनेंगे, क्योंकि आप एक दूसरे की कमियां नहीं देखेंगे, आप एक दूसरे की अच्छाइयां देखेंगे, कमियों के अवॉइड करेंगे और अच्छाइयों के साथ आप अपना जीवन जिएंगे। और कभी कभी जब आपकी चॉइस विपरीत होती है तो आप दोनों ही एक दूसरे की चॉइस को एंजॉय करते हैं, ना कि उसका विरोध करके उसमें आप झगड़ा करते हो, क्योंकि आपका विरोध बनता ही नहीं, क्योंकि आप सकारात्मक हर चीज में देखते हो। तो जब आप नकारात्मक चीजें देखोगे नहीं, हर चीज में सकारात्मकता ही देखोगे, तो कभी भी आपके झगड़े और कलह आदि का वातावरण नहीं बनता। और जब कलह और झगड़ा नहीं होता है तो आप स्वाभाविक है कि किसी भी स्थिति में सकारात्मकता के साथ आप एक दूसरे के साथ बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। लेकिन यदि यहाँ एक प्लस और एक माइनस, अभी कहा ना प्लस माइनस माइनस प्लस दोनों साथ में शामिल हो जाएंगे, तो एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है। अभी ये समझना पड़ेगा कि देखना पड़ता है, समझना और देखना पड़ता है कि जो सकारात्मक है वो बड़ा है या नकारात्मक है वो बड़ा है। यदि नकारात्मक बड़ा है तो वो हमेशा आपके ऊपर हावी रहता है, सकारात्मकता के ऊपर तो वो हमेशा अपनी नकारात्मकता फैलाता रहता है, और ऐसी स्थिति में पॉजिटिव व्यक्ति है वो जल्दी हार मान लेता है, तो ऐसी स्थिति में फिर विघटन आने की संभावनाएं बन जाती है। पर वहीं यदि पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है तो नेगेटिविटी कई बार उसमें दब जाती है, उसको तो नहीं दिया जाता, वो हावी नहीं हो पाती, बस ठीक है संभाल लिया जाता है, और इसमें संबंध निभाने में समस्या नहीं आती है और बड़े आराम से चीजें चल जाती हैं, उतना नहीं पर हाँ फिर भी चल जाती हैं। तो मित्रों पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, और पॉजिटिव हावी है नेगेटिव कम है तो भी अच्छा है, लेकिन हाँ नेगेटिव हावी और पॉजिटिव कम है तो यहां से विघटन की स्थिति शुरू हो जाती है। और यदि दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही माइनस माइनस है, तो क्या है दोनों में ये स्थिति बनती है, मतलब दोनों अपने अपने तरफ अपनी अपनी चीजों को खींचते हैं। और जब दोनों ही अपने अपनी तरफ खींचेंगे, तू कर मैं क्यों करूं, मैं पहले शुरुआत क्यों करूं, तू शुरुआत कर, और इसमें क्या होता है कि दोनों में विघटन बढ़ता चला जाता और कोई अंत नहीं होता, और अंत तो गत्वा माइनस माइनस और फिर पूरी तरह से माइनस हो जाता है। यानी कि इनके बीच में दाम्पत्य जीवन बहुत ही घटिया रूप से चलता है, यानी कि चलने की स्थिति में ही नहीं बनता। पर अब आप समझेंगे कि क्या होता है मित्रों। आप छोटी सी बात और बता दूं, यदि दिन में
कभी आप देखिए बादल छा जाते तो कई बार कितनी गर्मी हो जाती है, हम कई बार महसूस करते हैं कि कितनी गर्मी हो गई, क्योंकि बादल जब आते हैं हल्की फुल्की बारिश हो गई उसके बाद जो गर्मी बढ़ती है हम ज्यादा बेचैनी अनुभव करते हैं। पर ये दिन का स्वभाव नहीं है, रात का स्वभाव उसमें आया है, और रात का स्वभाव जो आया है उस स्थिति में कभी कभी हल्का अंधेरा, तो हम कई बार दिन में लोगों को कई बार घबराहट भी होती है ऐसी स्थिति में, और जो कमजोर मन वाले हैं उनको जरा पूछिए पता चल जाएगा। वही रात को जब क्या होता है कि बादल इतने छा जाते हैं कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद जैसी स्थिति बनती है तो उजाला जैसा लगता है, तब भी आप देखिए गर्मी यानी कि विकृति है उसकी। तो जहां विकृतियां बढ़ जाए वहीं कुछ बिगाड़ हो जाते हैं, और विकृतियां जब तक नहीं आती हैं तब तक कोई समस्या नहीं है। तो मित्रों यदि आपका स्वभाव नेगेटिव है दोनों का, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने साथ में दाम्पत्य जीवन नहीं निभा सकते हो, यह आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको नहीं जुड़ना चाहिए। पर हाँ यदि आप दोनों ही पॉजिटिव हो तो कोई समस्या नहीं है, आप एक दूसरे को अच्छे से एंजॉय करोगे और अच्छे से एक मस्त लाइफ जियोगे। हाँ उसमें आप एक बात समझेंगे कि आप दोषारोपण किसी पर नहीं करेंगे, दोषारोपण का स्वभाव जो होता है वो नेगेटिविटी होती है, और नेगेटिविटी ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी घातक बीमारी कहो, बिखराव का कारण कहो, या जो भी कह लो वो हमारे जीवन की होती है। मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फालतू विचार, मुक्ति, दाम्पत्य जीवन, परिवार, खानदान ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है, कुछ अनुभव भी दिए हैं ये घर घर की कहानी के रूप में, और एक गीतों भरी कहानी प्लेलिस्ट भी हमने दी जिसमें हमने गीतों के माध्यम से कुछ बातें बताई हैं। तो आप इन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत कुछ समझने को, बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आपके जीवन को जीने में आपकी सहायता कर सकता है, और कई बार जो आप भ्रमित होते हो ना वहां से आप बाहर निकल सकते हो। और उसके अलावा हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है, दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से रोगों पर वीडियो दिया, आगे एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे काम के, अपने काम के वीडियोज मिलेंगे, और स्वास्थ्य नियम, रोगों के कारण आसन, व्यायाम, प्राणायाम, मुद्रा, सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जो आपको जीवन जीने में स्वस्थ बनाने में आपकी सहायता करेंगे। और आगे सफल घरेलू उपचार जिसमें मैं तेल आदि बनाने की विधि बताइए, भोजन कैसे बनाया जाए, क्योंकि भोजन बनाने का तरीका सही हो तो आप भोजन अच्छे से बना पाओगे जो स्वस्थ आपको रखेगा। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया जहाँ बहुत सारे मोटिवेशन थॉट्स देते हैं जो जीवन जीने में आपकी सहायता करते हैं और कुछ सच्चाइयाँ आपको बताते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर अंत में इसलिए भी आपको ऊपर के वीडियो देख के मन का समाधान होता है, आपके रोगों का समाधान होता है तो आपकी सहायता होती है। और यदि आपको लगता है कि बात करने से कुछ ज़्यादा होगा, कुछ जल्दी हो जाएगा, तो आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं, कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो मित्रों अब हम आपके विचारों को आमंत्रित करते हैं कि आपके अपने विचार इस विषय पर क्या हैं, तो आशा है आप अपने विचार व्यक्त अवश्य करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।